सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, झटपट तरीके से बनने वाला वेज सैंडविच। वेज सैंडविच को बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है खीरा, खीरे को मैंने अच्छे से छील लिया है। आप चाहे तो छिलके के साथ भी खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज के कुछ स्लाइसेस लिए हैं, टमाटर के, और लिया है यहाँ पर मक्खन। मक्खन की जगह चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दरदरी कुटी हुई ली है काली मिर्च। काली मिर्च हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ लिया है काला नमक, हरी चटनी जिसको घर में ही बनाया गया है। यहाँ लिया है मैंने टमाटो कैचअप। ग्रीस करने के लिए मैंने लिया है मेल्टेड बटर। अब हम बनाते हैं झटपट तरीके से वेज सैंडविच। यहाँ मैंने ब्रेड की 4 स्लाइसेस ले ली है। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है और ऊपर से ये घर में बनी हुई और बहुत से अच्छे इंग्रेडिएंट इसमें डाले हुए हैं। हम यहाँ पर हरी चटनी हमने एक एक स्लाइस में लगा दी है। अब हम दूसरी स्लाइस में टमाटो केचप लगाएंगे। ऐसा करने से हमें एक्स्ट्रा चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब आप नाइफ़ से इसे लगा देंगे। मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मुझे मिक्सी के साथ मिला था, तो उसका यूज़ मैं इस तरीके से ही करती हूँ। हमने अपनी ब्रेड में चटनी को और सॉस को अच्छे से लगा दिया है। इस तरीके से हम हर तरीके से लगा देंगे और फिर हम इसमें अपने वेजिटेबल्स लगाएंगे। यहाँ मैं खीरे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे खीरा ज़्यादा पसंद है। आप चाहे तो यहाँ शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबली हुई कॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक स्लाइस टमाटर का भी ले लिया है और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी प्याज के कुछ स्लाइसेस। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप वो वेजिटेबल इसमें लगा सकते हैं। मैं उन वेजिटेबल का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ जो सभी के घर में ईजीली अवेलेबल रहती है किसी भी टाइम। अब हम इसमें दरदरी कुटी हुई काली मिर्च को अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि बहुत कम होता है कि किसी के घर में प्याज, टमाटर या खीरा ना हो। ये तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। अब हम ऊपर से डाल रहे हैं काला नमक और सीरियसली ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ऊपर से हेल्दी भी। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बटर रख रही हूँ। बटर कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने बटर कर किया है। हमारी हेल्थ के लिए बटर ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ ऐसे कर दोनों स्लाइसेस को हाथ में लेंगे और बहुत ही आराम से इस तरीके से हम सैंडविच को बंद कर देंगे। अब हम इसे बनाते हैं सैंडविच मेकर में। अगर आपके घर में सैंडविच मेकर नहीं है तो ये सैंडविच को आप बहुत ही आसानी से तवे में भी बना सकते हैं। अब हमने सैंडविच मेकर को ग्रीस कर लिया है। अब हम ब्रेड को इसमें इस तरीके से लगा देंगे और सैंडविच मेकर को ऑन कर देंगे और 5 से 10 मिनट में हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। और आप इसे जब तवे में बनाएंगे तो इन दोनों के टेस्ट में कोई भी कमी नहीं होती, सेम टेस्ट रहता है। बस हाँ, इसमें ग्रिल होने के कारण जो इस तरीके का पैटर्न है, जो लाइन है, वो सिर्फ आती है और ये जल्दी थोड़ा सा कुक हो जाता है। नहीं तो तवे में भी सीरियसली इतना ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। अब आप इसे पिज़्ज़ा कटर या फिर इस तरीके की स्पैचुला से भी काट सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जब भी सैंडविचेस बनाएं तो उन सैंडविचेस को गरम गरम ही कट कर लीजिए क्योंकि ठंडे होने के बाद वो अच्छे से कट नहीं हो पाते। बहुत गर्म हो रहे हैं और आप ये देखेंगे हमारे वेजिटेबल अच्छे से ग्रिल हो गई है। अब हम दूसरे पीस को भी ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं, काटेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी शेप काट सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो इसके और भी छोटे पीसेस आप कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा दिखने में लग रहा है उतना टेस्टी खाने में है। अब हमने छोटे छोटे पीसेस भी कर दिए, जैसे अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो छोटे पीसेस। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें।
तब तक के लिए बाय।